एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है जिन्हें अच्छी अच्छी ज्वेलरीज पहनना बहुत पसंद है। ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज, फंकी ज्वेलरीज, जंग ज्वेलरीज, ये सारी चीज़ें पहनना बहुत पसंद है और साथ ही साथ यूनिक डिज़ाइन की ज्वेलरीज पहनना बहुत ही पसंद है। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके साथ में एक ऐसा ज्वेलरी स्टोर के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जहाँ की जो ज्वेलरी डिज़ाइन है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत यूनिक है और सबसे बड़ी बात बहुत अफोर्डेबल है। एंड अफोर्डेबल बोल रही हूँ दैट मीन्स सच में बहुत अफोर्डेबल है। लाइक आपको 99 रुपीज़ में तीन अच्छी अच्छी ज्वेलरीज मिल जाती है, 299 रुपीज़ में चार अच्छी अच्छी ज्वेलरीज मिल जाती है और क्या चाहिए। और सारी डिज़ाइंस ऐसी हैं जो कि आपको नॉर्मल लोकल मार्केट में नहीं मिलती है। आप अगर मार्केट में जाते हो अपने लिए जंग ज्वेलरीज लेने के लिए तो आपको सब तरफ एक सी ज्वेलरी डिज़ाइंस दिखती है, हर शॉप में एक ही टाइप की डिज़ाइन। लेकिन जिस स्टोर की मैं बात कर रही हूँ यहाँ आपको बहुत यूनिक डिज़ाइंस मिलती हैं। तो जिस स्टोर की मैं बात कर रही हूँ वो है एक इंस्टाग्राम स्टोर जिसका नेम है द हाउस ऑफ पैंडोरा और इनका एक वेबसाइट भी लॉन्च हुआ है अभी। एक गर्ल है जो कि आई थिंक 20s में है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, शायद उनकी एज 20 के अराउंड है, 24 और समथिंग, और वो अकेले ये बिजनेस करती हैं, खुद डिज़ाइन करती हैं और सारी चीज़ें, और अब उन्होंने एक टीम बनाई है अपनी। तो मुझे ये चीज़ें बहुत इम्प्रेस करती है कि एक लड़की अपने दम पर इतना कुछ कर रही है। तो मुझे हाउस ऑफ पैंडोरा ने दो सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस भेजे हैं फॉर रिव्यू पर्पस और मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताया था कि मैं अब ऐसे ही बॉक्सेस आपके साथ में शेयर करूंगी जो कि मुझे लगता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और फायदे वाली डील है। तो सेम चीज़ मुझे यहाँ हाउस ऑफ पैंडोरा के साथ भी लगी। तो मुझे उन्होंने भेजी है दो बॉक्सेस। पहला बॉक्स है ये 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन बॉक्स जिसमें कि 3 ज्वेलरी पीसेज मिले हैं मुझे, और ये दूसरा है 299 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन बॉक्स जिसमें कि मुझे मिले हैं 4 ज्वेलरी पीसेस। और सारे पीसेस मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 99 रुपीज़ के ज्वेलरी पीसेस की, और इसके पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लें, बहुत ही अच्छी तरीके से पैक होके आया है और ये इंडियन पोस्ट के थ्रू आता है, मतलब जो पोस्ट ऑफिस वाले पोस्ट होते हैं उसके थ्रू आता है। और पेमेंट आपको कैसे करनी रहती है, क्या करनी रहती है, कहाँ से ख़रीदना है, उनका इंस्टाग्राम स्टोर और उनकी वेबसाइट की लिंक, सारी चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप अगर इंस्टाग्राम में हैं तो उनके पेज को जाकर ज़रूर देखें, आपको बहुत ही वैरायटी मिलेगी ज्वेलरीज की। तो चलिए शुरुआत करते हैं 99 रुपीज़ वाले बॉक्स से। बॉक्स कार्डबोर्ड का है, सिंपल सा है बट पैकिंग बहुत अच्छे से होके आई थी जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा। और ये है सारे पीसेस वन बाय वन, अब मैं आपको सारे पीसेस दिखाती हूँ। सबसे पहले है ये एक ब्रेसलेट, सिल्वर कलर का ब्रेसलेट है ये, और इसमें ये ब्लू कलर के स्टोन लगे हुए हैं और ये लीफ वाले चार्म्स हैं। और मुझे एक्चुअली सिल्वर ब्रेसलेट्स पहनना बहुत पसंद है जैसा कि मैंने ये पहना हुआ है, तो मुझे ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आया। इसकी प्राइस है 120 रुपीज़ और ये हमें मिल रहा है 99 रुपीज़ वाले सब्सक्रिप्शन बॉक्स में। ये है फर्स्ट पीस। देन जो नेक्स्ट है वो है इयररिंग पीसेस। ये है इयररिंग पीसेस, कुछ इस तरीके से आई है, मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगी ये, और इसकी प्राइस है 99 रुपीज़। एंड मैं पहले इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है, ये कुछ ऑक्सीडाइज्ड गोल्डन कलर में है ये इयररिंग्स और बहुत ही प्यारी हैं, अच्छी लगी मुझे ये भी। तो ये है नेक्स्ट पीस। एंड जो लास्ट पीस है 99 रुपीज़ वाले बॉक्स में वो ऑसम है और आई थिंक मुझे सबसे अच्छा पीस यही लगा है। ये है एक नेक पीस जिसको कि आप एज चोकर भी पहन सकते हैं। ये देखिए मैं बिल्कुल अच्छी वाली इमेज और अच्छे क्लिप्स भी डालूंगी ताकि आपको अच्छे से दिखे। और इसकी मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसको अगर हम साड़ी पे पहनेंगे एज चोकर तो ये बहुत खूबसूरत दिखेगा, बहुत ज़्यादा। मैंने जैसे ही ये पीस देखा मैंने कहा माय गॉड, 99 रुपीज़ के बॉक्स में इतना सुंदर नेक पीस, ये वैसे चोकर ही है, उससे बड़ा नहीं है, इतना सुंदर चोकर गोल्डन कलर में, और उसके साथ में आपको दो एक्स्ट्रा ज्वेलरीज और मिल जा रही हैं और क्या चाहिए। ये है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये नेक पीस। और इसकी जो प्राइस है ये है 140 रुपीज़ और बिल्कुल गोल्ड का लुक आ रहा है। तो अभी फेस्टिवल्स इतने सारे आ रहे हैं, साड़ियाँ पहननी ही है, उस पर अगर से कॉटन की प्यारी सी साड़ी पहनी है, रेड टाइप की कुछ साड़ी पहनी, उसमें ये चोकर पहनो तो कितना खूबसूरत लगेगा। सो ये है नेक्स्ट पीस, मुझे बहुत पसंद आया ये। तो ये तीन ज्वेलरीज थी जो कि मुझे मिली है 99 रुपीज़ वाले बॉक्स में। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ 299 रुपीज़ वाले बॉक्स में मुझे क्या क्या मिला है। टोटल मुझे मिली है इसमें 4 पीसेस। अगेन पैकिंग वगैरह सब आपने देखी
बहुत अच्छे से पैक होके आया था. तो जो सबसे पहला ज्वेलरी पीस है वो है ये इयररिंग्स, जो कि बहुत बेसिक है. मेरे पास इस टाइप के इयररिंग ऑलरेडी है, कुछ ग्रीन कलर में है मेरे पास. तो ये मुझे पर्पल कलर के स्टोन वाली इयररिंग्स मिली है. बहुत बेसिक इयररिंग है और इसकी प्राइस 150 रुपीज रिटर्न है इसमें. ये मुझे बहुत बेसिक लगी, इसमें मुझे ऐसा कुछ एकदम डिफरेंट सा नहीं लगा. सेकेंड मुझे इसमें मिला है एक मांग टीका, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है वैसे ये मांग टीका भी. ये मांग टीका भी मुझे अच्छा लगा और अभी फेस्टिव सीजन्स आने वाले हैं तो उस पे ये बहुत काम आएगा. और हाउस ऑफ पैंडोरा की एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप उन्हें अप्रोच करते हैं कि आपको कोई सब्सक्रिप्शन बॉक्स लेना है या फिर पहली चीज आप अगर कोई एक ज्वेलरी लेना चाहते हैं इंडिविजुअली तो आप वो भी खरीद सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं आपको बॉक्स ही लेना पड़ेगा. और अगर आप किसी बॉक्स के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं उन्हें, तो वो आपको एक क्वेश्चनरी देते हैं, आपसे एक फॉर्म फिल कराते हैं कि आपको किस टाइप की ज्वेलरीज पसंद है, कैसे मेटल्स पसंद है, सिल्वर पसंद है, गोल्ड पसंद है, टैसल्स पसंद है, क्या पसंद है. आप अपने बॉक्सेस में सिर्फ इयररिंग्स चाहते हैं कि इयररिंग के साथ नेक पीसेस भी चाहते हैं, मांग टीका भी चाहते हैं, ब्रेसलेट भी चाहते हैं, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछते हैं. उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको अपने हिसाब से जो बॉक्स है वो क्रिएट करके देते हैं और वो कम्प्लीटली सरप्राइज रहता है. आपको नहीं पता रहता है कि आपने जो उनको फॉर्म फिल करके दे दिया है तो आगे वो क्या करने वाले हैं और क्या भेज रहे हैं. जब आपके पास बॉक्स आता है तभी आपको पता चलता है. तो एक तरीके से ये कम्प्लीटली सरप्राइज रहता है. अब इसके बाद एक बहुत खूबसूरत सा नेक पीस है जो कि है सिल्वर कलर में, ये देखिए बड़ा सा है ये और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे हाउस ऑफ पैंडोरा के एक्चुअली जो नेक पीसेज होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं. तो ये है वो नेक पीस जो कि 299 रुपीज वाले में आया और ये है 180 रुपीज का. नीचे कॉइन्स लगे हुए हैं इसमें, ऐसे जैसे पहले 10 पैसे के कॉइन्स आते थे बिल्कुल वैसे ही कॉइन्स हैं ये. और ये है बड़ा सा चेन. तो ये है नेक्स्ट पीस, बहुत अच्छा लगा मुझे. जो लास्ट पीस मुझे मिला है 299 वाले बॉक्स में वो है ये नोज पिन. ये है टर्कोइश ब्लू कलर की नोज पिन एंड इसकी प्राइस है 55 रुपीज. तो ये है चार पीसेस जो कि मुझे मिले हैं 299 रुपीज वाले बॉक्स में. एंड आई नो आप भी यही सोच रहे होंगे कि इतने अफोर्डेबल और इतने प्यारे प्यारे ज्वेलरी पीसेज हैं, सच में बहुत अफोर्डेबल हैं. आप एक बार उनका पेज चेक करिए, उनकी वेबसाइट चेक करिए, आपको और भी अच्छे ऑप्शंस दिखेंगे. सो दैट्स इट, यहाँ ये वीडियो फिनिश होता है. पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय.